नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चेदानी में जो गांठें हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और उसके क्या होम्योपैथी मेडिसिन चलाएंगे और कितने दिन तक चलानी है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे क्या उसको ठीक करा जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और ये आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बच्चेदानी में सूजन, गांठ या रसौली जब हो जाती है तो हम उसको कैसे क्या ठीक करते हैं। दोस्तों इसमें एक बायो कॉम्बिनेशन होम्योपैथी में आता है AMN, मतलब आरम म्यूर नियोनेटोरम, मतलब ये 3x पोटेंसी में आती है दोस्तों। ये ट्राइचुरेशन होता है, 25 ग्राम की शीशी आती है, पॉइंट भी आता है, ये आपको यूज करना है दोस्तों। इसके मैं साइन और सिम्टम या किन किन कारणों में यूज़ होती है उसके मैं बता देता हूँ डिटेल से। दोस्तों ये महिलाओं में बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि दोस्तों ये फीमेल रेमेडी एक तरीके से बोल देते हैं कि ये उसमें बहुत ही इफेक्टिव होती है। जिनको दोस्तों जिनको बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, मतलब जिनको बच्चे कंसीव करना चाहती हैं उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है AMN 3X पोटेंसी में। दोस्तों मैं उसकी पिक्स लगा दूंगा, वो आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। एक ये मिनरल से बनी हुई होती है दवाई, मिनरल्स मतलब जो हमारे होते हैं सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के मिनरल्स होते हैं उनसे बनाई गई ये दवाई होती है दोस्तों। दोस्तों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ज़्यादा काम करती है और बहुत ही असर करती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है लड़कियों में यूट्रस में गांठे हो जाना या फिर कंसीव ना होना ये सब दिक्कतें ज़्यादा होती, तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बहुत ही इफेक्टिव और कारगर है दोस्तों। दोस्तों जिन लोगों को ल्यूकोरिया की शिकायत होती है, मतलब जो पानी आता रहता है लेडीज़ों में, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और जिनको लोअर एब्डोमेन में, जिन लोग बोलते हैं कि मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और दोस्तों जिनका ल्यूकोरिया येलोइश कलर का होता है, जिनका पीला कलर होता है ठीक होता है, उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। परंतु दोस्तों जब इनको ल्यूकोरिया होता है तो उनको वजाइनल में इचिंग की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी ये बाखूबी ठीक करता है दोस्तों। इचिंग ना हो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। जो लोग यंग लड़कियां होती हैं उनमें घबराहट पल्पिटेशन ज़्यादा होने लगती है, जैसे पीरियड्स को लेकर के नए नए शुरुआत में जब होते हैं तो उनको घबराहट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और समय से अगर आप इसका यूज़ करते तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी रसौली होती है उसमें गलाने का काम करती है, और ये यूट्रस को मतलब बच्चेदानी को मजबूती प्रदान करती है, जिससे उसमें कंसीविंग या बच्चा अच्छे से मैच्योर हो सके और उसको अच्छे से मिल सके दोस्तों। इसमें होता है क्या है कि AMN बहुत ही यूज़ करते हैं इन्हीं में, जैसे कि किसी का बच्चा कंसीविंग में, मैंने आपको पहले बता दिया जिनको कंसीविंग में ज़्यादा दिक्कत आती है, थर्ड या सेकेंड मंथ या फोर्थ मंथ में उनका जो होता है प्रेगनेंसी मतलब एबॉर्शन हो जाता है, तो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। या फिर दोस्तों उनको ओवरीज में पेन होता हो, पीरियड्स के दौरान अगर उनको ज़्यादा दर्द होता है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। अगर आपके बच्चेदानी में सूजन आ गई हो, पानी भर जाता हो, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों AMN। या फिर दोस्तों अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो गई है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया कि ये कंसीविंग में बहुत ही अच्छी दवाई है, तो दोस्तों ये कैसे काम करेगी, कैसे यूज करना है उसमें दोस्तों। जब आपको बच्चे की प्लानिंग करनी हो, कंसीविंग करना हो, तो आपको 1 से 2 महीने पहले इस दवाई को ले लेना है। अगर आपको सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको एबॉर्ट हो जाता तो उनके लिए मैं खासकर बताता हूँ कि उनको ये 1 से 2 महीने पहले ही ये स्टार्ट कर देनी है, और आपको कंसीविंग जब हो जाए तो इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और दोस्तों ये टॉनिक का काम करती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और दोस्तों जब आपका ये टॉनिक मतलब एक तरीके से AMN जो है ये टॉनिक है, अगर आपके शरीर में वहाँ पहुँचता है
तो ब्यूट्रस में, बच्चेदानी में, वॉर्म में तो बहुत ही इफेक्टिव और मजबूती प्रदान करता है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा दोस्तों लिकोरिया में बदबूदार किसी किसी में लिकोरिया होता है तो दोस्तों उसमें भी बहुत ही असरदार होता है। और जो दोस्तों टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं या फिर ज़्यादा आते हैं और टेंस रहते हैं उस चीज़ को लेकर के कि मैं ठीक नहीं हूँ या पेन ज़्यादा हो, तो दोस्तों उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है AMN। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यूज कैसे करना है, जैसे कि जिनको कंसीविंग करनी है, 1 से 2 महीने तक आपको ये 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों अगर आपने कोई WSI कंपनी के लिए उसकी टैबलेट अगर आपको बड़ी लग रही है बाकी दूसरी कंपनियों की अपेक्षा, तो आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। और अगर आपने SBL या फिर किसी और अदर कंपनी की ली है तो उसमें आप देखेंगे टैबलेट छोटी छोटी, तो आप वो 4-4 गोली दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों जो टीनेज वगैरह मतलब जो बच्चियां होती हैं जिनको नए नए पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, उनको दर्द होता है, तो दोस्तों उसमें 1-1 गोली दिन में 3 बार या 2-2 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आज का आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ कमेंट करें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं नए वीडियो जो भी आप बनाता हूँ आप तक पहुँच सकेंगे और आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक मैं पहुँचाता रहता हूँ, जिससे आपको घर बैठे आपका बीमारी का इलाज हो सके। जय हिंद, जय भारत।